का एक बयान सामने आ रहा है जहां उन्होंने कांग्रेस में चल रहे गौ सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज आप जिस भी सड़क से गुजरे वहां न जाने कितनी गौ माताएं सड़क पर धरने पर बैठी हैं कि हमारा ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बीजेपी सब पे सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी गाय की सेवा करने की बात करती है लेकिन अब वो उनका ख्याल रख रहे हैं। गोबर की खरीदारी बंद कर दी गई है, मवेशी सड़कों पर आ गए हैं और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। साथ ही पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि आदिवासियों को नक्सली कहकर मारा जा रहा है, नक्सली निर्दोष आदिवासियों को बचा रहे हैं और गिरफ्तार किया जा रहा है। तो उस नारी का श्रृंगार का कोई मतलब नहीं है। प्रदेश की जनता का भी वही हाल है, प्रदेश की सरकार आंख मूंद ली है। जिस सड़क से निकल जाओ आपको मवेशियों का, गरुआ लोगों का भीड़ जो है आपको सड़क में अनशन करते हुए दिख जाएंगे कि हमारा मांग पूरा करो। कांग्रेस सरकार ने योजना चलाई थी गौ सेवा के लिए, गौठान योजना था, गोबर खरीदी था, उसे मवेशी के मालिकों को दो पैसा के फायदा होता था, लोग बांध के रखते थे, ख्याल रखते थे। जैसे सरकार बदला योजना बंद कर दी, आज जब से बंद कर दिए तो लोग खुले में छोड़ना शुरू कर दिए। आज जगह जगह आपको रोड में बैठे हुए झुंड दिखेंगे और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्या लगता तो है? सरकार को जगाने के लिए, सरकार को चेताने के लिए इस प्रकार का आंदोलन बहुत जरूरी था, जिसको कर रहे हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ, सबको बहुत बधाई देता हूँ। आपने अनशन की बात कही है गायों का, आप सब निकलिए ना, रोड में आपको दिख जाएंगे। उसको कांग्रेस के लोग तो नहीं मवेशी को बैठा है रोड में, इसको संज्ञान लेना चाहिए और सही योजना है, कल्याणकारी योजना है, उसको निरंतर रखना चाहिए।